पहले देखते हैं आज की बड़ी खबर। गोलियों की गूंज से दहला ग्रेनो, एसटीएफ ने किया कुख्यात बदमाशों का एनकाउंटर, नई दिल्ली ग्रेटर नोएडा। कार में सवार बदमाशों ने एसटीएफ पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। बुलेट प्रूफ गाड़ियों से वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे थे 6 कुख्यात अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बदमाशों को पश्चिमी यूपी एसटीएफ यूनिट ने इकोटेक प्रथम क्षेत्र में चेकिंग के दौरान मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। एसटीएफ के अधिकारियों के मुताबिक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस को सूचना मिली थी कि बदमाशों का गैंग किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना के आधार पर पश्चिमी यूपी एसटीएफ ने थाना इकोटेक प्रथम क्षेत्र में फॉर्चूनर स्कॉर्पियो कार को जांच के लिए रोका। कार में सवार बदमाशों ने एसटीएफ पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन गिरोह का सरगना मनोज इमिलिया मौके से फरार हो गया। बदमाशों के पास से एसटीएफ ने एक फॉर्चूनर और एक स्कॉर्पियो कार बरामद की। दोनों कारें बुलेट प्रूफ है। इनके पास से पुलिस ने अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद किया। एसटीएफ के अधिकारियों ने बताया कि पवन नागर की गिरफ्तारी पर एसएसपी द्वारा 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। इसके ऊपर हत्या, हत्या के प्रयास और रंगदारी के 18 मामले चल रहे हैं। इस गिरोह का सरगना मनोज इमिलिया पर भी 25,000 रुपए का इनाम घोषित है। आरोपियों का नाम पवन नागर, जीतू और जितेंद्र, जगत सिंह नागर, विनोद सिंह, चंदन कुमार और कमल, ये है। ये लोग शातिर किस्म के बदमाश बताए जा रहे हैं। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे न्यूज के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।